कुछ देर पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करा था जिसपे मैंने वेब सीरीज की केस स्टडी बताई थी। बहुत ही प्रॉफिटेबल निश है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे जरूर देखें। और ये उसी का सेकंड पार्ट है। अगर आप अपना मन बना चुके हैं वेब सीरीज के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाने का या फिर यूट्यूब में चैनल बनाने का, तो आपके पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जिससे आपको जल्दी और बहुत अच्छा इफेक्ट पड़े। पर उससे पहले, अगर आप अभी चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। प्रॉफिटेबल निश के लिए फ्रेंड्स कीवर्ड जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सीपीसी कितना मिलेगा, ट्रैफिक इसमें कितना आ रहा है, अगर आपको ये पहले से ही पता होगा तो उसमें आपको रिजल्ट थोड़ा जल्दी और अच्छा मिलेगा। वही सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। मैं प्रीमियम टूल्स का यूज करता हूं। अगर आप वो प्रीमियम टूल्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बहुत ही चीप प्राइस में मिलेगा। अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहां पे कीवर्ड्स का मैं आपको आइडिया देता हूँ। सबसे पहला कीवर्ड है हमारा वेब सीरीज, और वेब सीरीज में देखेंगे कीवर्ड डिफिकल्टी तो 48 हार्ड है, पर इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसको अभी बहुत ईजी और सिंपल कर दूंगा। 5 मिनट पहले ही मैंने इसे अपडेट करा है। वॉल्यूम, सीपीसी, क्लिक्स, इसमें आपको सारी चीजें अच्छी मिलेंगी। व्यू ऑल पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे आपके पास एक अच्छी खासी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास लिस्ट तो आ गई, पर जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 20 से अबव है। तो यहाँ पे मैं फिल्टर लगा दूंगा जिससे हमारे पास जो कीवर्ड्स होंगे वो सारे 20 से बिलो होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 3000 से ज्यादा मेरे पास कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई है जिसमें कीवर्ड डिफिकल्टी बिलो 20 है। सीपीसी की तरफ आप ध्यान बिल्कुल भी ना दे। अब आप बोलोगे कि भाई सीपीसी पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारी कमाई कैसे होगी? तो भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आप एक निश के ऊपर वेबसाइट बना रहे हैं और गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है और कोई भी उस एड पे क्लिक करता है, इंप्रेशन आते हैं, तो गूगल कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि क्लिक तो हो गया पर आपको पैसे नहीं देगा। आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और जब ट्रैफिक अच्छा आएगा तो डेफिनेटली फ्रेंड्स उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। सिर्फ अभी आपने स्टार्टिंग में फोकस ये करना है कि आपको वो वाले कीवर्ड्स को ज्यादा यूज करना है जिसमें कीवर्ड डिफिकल्टी कम है और ट्रैफिक बहुत अच्छा आ रहा है। उल्लू वेब सीरीज में बहुत सारी वेब सीरीज मिल जाएगी, उनके ऊपर आप रिव्यू दे सकते हैं और हर टाइटल के पीछे आप उल्लू वेब सीरीज जरूर यूज करें। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है आश्रम वेब सीरीज, और इसी तरह से इनकम होती है। अगर सिंगल वर्ड को आप रैंक कराना चाहते हैं वेब सीरीज को तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, उसे लॉन्ग टेल में कन्वर्ट कर दे और उसके आसपास जो हेल्पिंग कीवर्ड्स है उनमें भी अगर ट्रैफिक आ रहा है तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं आपकी वेबसाइट में कुछ ही टाइम में कितना ट्रैफिक आने लग जाएगा। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अराउंड 20 टूल्स आपको मिल जाएंगे जिससे आप बहुत ही चीप प्राइस में परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ ट्रैफिक पर नजर डालें कि हर महीने कितना ट्रैफिक आ रहा है, और ट्रैफिक आने के बाद उसमें आप क्लिक्स भी देखेंगे कितने अच्छे क्लिक्स आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप पॉइंटर ले जाएंगे तो आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएगी, अगर आपके पास ये वाला टूल है तो। इसी तरीके से अगर आप नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज के ऊपर अपना आर्टिकल लिखना चाहते हैं, पेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे नेटफ्लिक्स वेब सीरीज मैंने लिखा, डिफिकल्टी काफी हार्ड है पर इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। और यहाँ नीचे व्यू ऑल पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे पहले से ही मैंने कीवर्ड डिफिकल्टी 20 सेट कर दिया है। 20 से ज्यादा हमारे पास अब कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं आएगी, और इसमें आप देखेंगे ट्रैफिक इसमें इतना ज्यादा तो नहीं है, पर हाँ एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं तो आपको ऐसे कीवर्ड्स को ही चुनना पड़ेगा जिसमें ज्यादा कोई काम बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि हर इंसान की नजर रहती है कि कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो और ट्रैफिक उसमें ज्यादा हो, तो ज्यादातर लोग उसमें काम करने लग जाते हैं और कुछ ही टाइम में उसका कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। अगर आप बिल्कुल नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे ही कीवर्ड्स को पकड़े जिसमें लोग काम करने से थोड़ा रुके, मतलब कंपटीशन भी कम है और ट्रैफिक भी कम है। जैसे ही आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक करने लग जाए, यूट्यूब में व्यूज आने लग जाए, उसके बाद धीरे 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 आप उन कीवर्ड्स को पकड़े जिनमें ट्रैफिक अच्छा आ रहा है। इनिशियल स्टेज में भी करना चाहे तो उसमें काम कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे हिंदी वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स वेब सीरीज, लिस्ट इन हिंदी, इस तरह के कीवर्ड्स को आप जरूर यूज करें। इससे आपको जल्दी और अच्छा इफेक्ट मिलेगा अपनी वेबसाइट में और यूट्यूब के चैनल में, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम मतलब सर्चेस काफी अच्छी हो रही है। ठीक ऐसे ही हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है सिर्फ नेटफ्लिक्स। अगर आप अपने हर कीवर्ड के पीछे नेटफ्लिक्स लगाएंगे तो आप देखेंगे 8.2 मिलियन मंथली इसकी ट्रैफिक आते हैं। और व्यू ऑल पे क्लिक करके मैं ऑलरेडी कीवर्ड डिफिकल्टी 20 को सिलेक्ट कर चुका हूँ, तो यहाँ पर आपको और भी नेटफ्लिक्स से रिलेटेड काफी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे और टोटल 1870 इसके अंदर कीवर्ड्स है। नेक्स्ट कीवर्ड आता है अमेज़न वेब सीरीज। इसमें कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है पर इसमें वॉल्यूम भी कम है और सीपीसी इसमें शो नहीं कर रहा, पर अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक लाने के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। मतलब अपने कीवर्ड को लॉन्ग टेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो
तो इस टाइप के कीवर्ड्स जरूर यूज करें। हमेशा कीवर्ड को एज इट इज बिल्कुल ना रखें, दो तीन कीवर्ड को मिक्स करके एक अच्छा सा टाइटल बना दे, और जो टाइटल है उसी के अंदर जो कीवर्ड्स आ रहे हैं डेफिनेटली फ्रेंड्स उसी से ही आपको वॉल्यूम आएगा और आपके आर्टिकल के अंदर वही वाले कीवर्ड्स यूज होंगे। अगर आपको ये नहीं पता ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे करते हैं, आपको यूट्यूब में जाना है, ऑन पेज एसईओ टेक्नो वेदांत लिखना है, फर्स्ट वाला वीडियो है जिसमें ऑन पेज एसईओ और कीवर्ड प्लेसमेंट दोनों के बारे में बताया, और इसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया जिससे आपको समझ आ जाएगा ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं और कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा अमेज़न प्राइम वेब सीरीज। पहले वाला जो कीवर्ड था वो था सिर्फ अमेज़न वेब सीरीज, अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया अमेज़न प्राइम वेब सीरीज, और इसमें भी मैं कीवर्ड डिफिकल्टी 20 सेट कर चुका हूँ। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनको आप जरूर यूज करें फ्रेंड्स अपने आर्टिकल के अंदर। मैं फिर बता रहा हूँ सीपीसी की तरफ ध्यान बिल्कुल ना दे, ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो गूगल आपको पे जरूर करेगा। टोटल 19 कीवर्ड्स इसमें मिले हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।